जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित देवंशी और एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो भी है मेजर साहब का, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मेजर साहब ने पूछे हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। मे बी शायद आप लोगों को पसंद आए, तो बिना देरी करे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं ना, किसी थोड़ी चीज़ें मेरे को पता है, थोड़ी चीज़ें आपको पता है, कुछ होता ना कि थोड़ी थोड़ी बन के एक पूरी कड़ी बनती है। तो भाई बिना देरी करे हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट, और ये है मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो चाणक्य डायलॉग। जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो इनकी देखे करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। 3, 2, 1 मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों खबर वापस सीमा हैदर की है, और सीमा गुलाम हैदर ने इस बार रिक्वेस्ट कर डाली, डायरेक्टली पेटिशन डाल दिया डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि मैम रहम कीजिए। इसको दिमाग कौन दे रहा है, ये मुझे ये बात आपको ही समझाए कि इसको आइडिया कौन दे रहा है कि तुम ये करो, इसको लिखो, उसको लिखो। वो तो पाकिस्तानी है, जाहिर सी बात है, और हमें मान के चलते हैं कि भारत वो कभी नहीं आई पहले, लेकिन एक बात बताइए, इसको आइडिया कौन दे रहा है। अब इसने अपील करी है, अब ये देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर मैं इसकी पोल पत्री खोलता हूं, ठीक है ना। देखिए, सीमा हैदर रिक्वेस्ट पीएम मोदी एंड सीएम योगी नॉट टू सेंड हर बैक टू पाकिस्तान, और इसका यह कहना है कि पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। तो गाना सुना है ना कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ये गा रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, आप समझ रहे हैं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सुना पुराना गाना। तो सर मैं बता देता हूँ कि इसको दिमाग कौन दे रहा है, इसको दिमाग दे रहा है, आप लोगों को याद होगा निर्भया केस में जो 5 अपराधी थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, एक नाबालिग था जिसको केजरीवाल साहब ने, महामहिम केजरीवाल साहब ने पैसे दे के, सिलाई मशीन दे के भेज दिया था 10 पता नहीं कितने साल की सजा पे, जो उनका वकील था, उस वकील का नाम बता देता हूँ मैं आपको, हाँ उन एडवोकेट साहब का नाम है AP सिंह। तो वो भाई साहब, उन्होंने पेटिशन डाली है इसकी द्रौपदी मुर्मू जी के पास, ताकि इसको यहाँ पे रहने दिया जाए और इसकी ये जो गलतियाँ हैं माफ़ कर दी। अरे जो चिड़ियाघर है ये चिड़ियाघर है, और यही हर किसी गुनहगार के पीछे क्यों खड़ा होता है, पहले रेपिस्ट के पीछे खड़ा था, अब एक ये टेररिस्ट के पीछे खड़ा है, बिल्कुल ये औरत टेररिस्ट है, 100% है ये, इसको नहीं लगता उसको बता दूं मैं, सीज अ टेरर वुमन। और ये आज नहीं कल सचिन के साथ साथ फटेगी, सचिन फटेगा, दोनों में से कोई ना कोई फटेगा फट। और इसके माँ बाप को मैं तो बोल रहा हूँ, ATS को, UPATS को, NIO को, इसको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, इसको जेल में डालो और सचिन की पूरी फैमिली को डालो जेल में। ये बहन चोद मच्छी मार्केट है क्या, ये 5 करोड़ वो आके बस गई, ये पाकिस्तानी और आके बस गई, कल को साल कोई और आ जाएगी। याद है वो आपको 19 साल की लड़की उसको डिपोर्ट करा था ना, इसको भी हाथ का डिपोर्ट क्यों नहीं करा गया, यहाँ पे क्यों पाला गया, डिपोर्ट नहीं करा गया तो कुलभूषण की तरह जेल में डालो उसको, बच्चे वापस करो, धर्मशाला नहीं है यहाँ पे, बच्चे वापस करो, इसको जेल में डालो, ये सचिन मीणा को और इसको इसकी पूरी फैमिली को डालो, बड़ा बहु बहु कर रहे हैं, फॉर्जरी करी उसने डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट फॉर्जर कर रहे हैं उसने, और एक विदेशी नागरिक को यहाँ तक इलीगली लेके आया है। मैं हम बता रहा हूँ गवर्नमेंट को, इसको अंदर डालना चाहिए, इसको बाहर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप के लिए आई है, वर्ल्ड कप तक शांत रहेगी, वर्ल्ड कप तक ये पैनिंग करेगी, मरेगा ये सचिन मीणा, ये मेरी गारंटी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है 101%, ये मेरे को फील हो रहा है ऐसा, पहले भी मेरे को फील हुआ था जब ये पुंचोला अटैक हुआ था। और इसके जैसे AP सिंह जैसे गद्दारों को, इनको सीधे इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, ये हमेशा गुनहगारों के पीछे क्यों डालता है, पहले रेपिस्ट के पीछे खड़ा था, अब ये इसकी लेके बैठा हुआ है, अब ये तर्क ये देगा कि 5 करोड़ हैं, उनको तो निकाला नहीं, इसके आने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल होगा 5 करोड़ हमारे, अभी नॉन मेनिया कौन कौन है, उनके पीछे कुछ खड़े गांडू, इसके पीछे कौन पूरी की पूरी है, कि हमें ये डर है कि देश आंतरिक सुरक्षा के पीछे पंगा ना पड़ जाए, कल को कोई ब्लास्ट ना कर दे, इसलिए हमें है डर, समझ गए मिस्टर AP सिंह, और आप जैसे भांड इनके पीछे क्यों खड़े होते हैं मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ नाम कमाने के लिए, जैसे उसके पीछे खड़े हो गए थे, इसके पीछे भी रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाओगे तुम किसी दिन, ऐसा किसी आम आदमी के लिए खड़े हुए हो कभी, जिस बिचारी का जमीन का केस चल रहा हो, किसी बुजुर्ग बाबा का चल रहा हो, किसी बेचारे के असहाय का चल रहा हो, उससे तो मोटी फीस लोगे तुम। तो मेजर सर इसके पीछे ये बंदा है AP सिंह, ज्ञान देने वाला, क्योंकि इसको बड़ी चुल मस्ती है ना वो इसमें आने में मीडिया के अंदर, तो इसको मीडिया में ला दो, मैं तो कहता हूँ कोर्ट से ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, और मैं बोलता हूँ हमारे देश की पब्लिक से, ऐसे लोगों के पास इंटरव्यू लेने क्यों जाते हैं, ये पहले भी हाइप क्रिएट करता था, रात को 2-2 बजे उन गुनहगारों के लिए कोर्ट खुलवाता है, किसी गरीब के आगे नहीं खुलवा सकता ये, तो ऐसे लोगों पे थू होनी चाहिए पहली बात तो। बाकी भाई आगे देखते हैं मेजर सर क्या कह रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं, चलो
मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस दोस्तों, कि भाई ये कह रही है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, इसको तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये पता लगा रहे हैं इससे धीरे 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 कि और कितनी सीमाएं हैं, है ना। इसने क्या करा है कि, और इसमें मीडिया वालों की भी गलती है, राइट। मीडिया आप कवर करते, आपने इंटरव्यू ले लिया सीमा हैदर का, आप रोज सीमा हैदर कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर ऑडियंस देखना चाहती है अच्छी बात है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया सीमा हैदर को, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया सीमा हैदर को कि दिन से लेकर रात तक टेलीविजन कैमरा उसके गांव में ऐसे खड़े हुए, और गांव वालों को तो क्या लग रहा है कि अच्छा। देखो बात यह ना कि गांव में जनरली क्या होता है, जो मैंने सुना है लोगों से और मैंने देखा भी है, गांव में ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, शॉपिंग मॉल है नहीं गांव के अंदर, कोई गांव के अंदर ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट का सेंटर नहीं है। अब जो भी करना है आपको थोड़ी दूर जाना है, अब वो ग्रेटर नोएडा का गांव है तो जाहिर सी बात है फैसिलिटीज आसपास हैं, लेकिन गांव के अंदर स्कूल होगा, छोटा सा हॉस्पिटल होगा, ये सब चीजें होंगी, लेकिन बड़ी ये मैक्सिमम एक्साइटमेंट है उस गांव के लिए इन द हिस्ट्री ऑफ दैट विलेज, कि भाई गांव में एक ऐसा बंदा बहू लेकर आया है, 24 घंटे कैमरा वाले बाहर रहते हैं, मीडिया वाले 24 घंटे वहां पे पर्चियां ले, उसके घर वाले पर्चियां बांट रहे हैं कि नहीं अभी आप नहीं आओगे भाई साहब, आप पीछे हटो, फलाना टीवी, अच्छा फलाना टीवी हो गया, अच्छा आ जाओ आ जाओ, ढिमका टीवी, अब तुम आओ, 15 मिनट है तुम्हारे पास, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलो 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 जल्दी करो, अच्छा अच्छा ओ ये वाले टीवी, आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ अब तुम। और वहां पे इनकी कोट अनकोट बहुरानियां इंटरव्यू दे रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने क्या करा है, सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीना, सचिन मीना को मैं थोड़ा सा इसमें कम मानता हूं, सीमा गुलाम हैदर को ज्यादा। भाई देखो मीडिया वालों की गलती है इस पे, मेजर साहब से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, सबसे ज्यादा गलती है कि इन्होंने हाइप क्रिएट करी। मैं जानता हूं कि इनको हाइप ना क्रिएट करके ना सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक डोमेन के अंदर एटीएस हो या यूपी पुलिस हो या फिर कोई अधिकारी हो, जैसे सीएम पीएम सीएम हो गया, डिप्टी सीएम हो गया, या फिर कोई वो हो गया सांसद हो गया, अगर वो जो बयान देते उसको कोट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन हमारी मीडिया आजकल खबरें कम और ये साला सास बहू वाला नाटक ज़्यादा हो गया है। सीरियसली सास बहू वाला नाटक ज़्यादा हो गया। मैं आपको ना एक वो दिखाता हूँ, एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो ज़रा, ये लाइव पे लोग बंदियां पटाते एक दूसरे में, सेटिंगें करते फिर रहे भाई साहब, देख रहे उसके नीचे क्या मिल रहा है, मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो भाई ये मीडिया चैनल ना हो के ये सास बहू का नाटक हो गया, और ये बंदियां पटाने का, लड़कियां पटाने का, लड़के पटाने का, और उसमें एक बंदी गई, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरे दो बच्चे हैं। तो मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, जो आपको चौथा स्तंभ बोला जाता है ना, खबरें दिखाओ, सनसनी मत फैलाओ। सभी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट, जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे, मतलब ऐसा लगता है कि साला सास बहू का नाटक चल रहा हो यार। इंडियन गवर्नमेंट के बहुत कोताहियां हैं, बहुत जगह कोताहियां हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इतने सारे लोग आएंगे किस लिए आएंगे, ऐसे भी सैलरी लेने के लिए बैठे हैं क्या, हमारे टैक्स के पैसों पे? और ये जो प्राइवेट जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अपने न्यूज़ चैनल का मजाक नहीं बनवाना ना, डिबेट करो, लेकिन ढंग के लोगों को बुला के करो और अच्छी चीज पे डिबेट करो, या छूते चीजों पे डिबेट होती रहती है। एक रॉ ऑफिसर को बुलाते हो आप, उनसे क्वेश्चंस करो, 50 बंदे आप बिठा देते हो, वो साले आपस में बिठ जाते हैं, उनको घंटे का कुछ नहीं पता। डिबेट करनी है तो एपी सिंह जैसे पे करो, सारे गद्दार हमने ही साले पालने के रखे हुए क्या, ठीक है, क्योंकि इतना ये ऑपरेशन करके आई है यहाँ पे। मदद किसने करी, सचिन ने। अब सीमा गुलाम हैदर का ये चक्कर है कि इसने रायता फैला दिया, ये क्यों कर रही है, आप जो भी करोगे ये सुर्खियों में बनी रहना चाहती है, इसको पता है कि इंडियन मीडिया इसके पीछे पड़ा है, इंडियन मीडिया इसको पब्लिसिटी दे रहा है, ये पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान में इसको ISI वाले पकड़ के बोलेंगे कि तेरे को काम के लिए भेजा था, तू मुंह उठा के क्यों वापस आ गई, तू पकड़ी कैसे गई, तूने सचिन की ब्रीफिंग क्यों नहीं करी ठीक से, तूने सचिन की ब्रीफिंग क्यों नहीं करी बहन, तूने ये क्यों नहीं बोला कि तू ये नहीं बोलेगा, पाकिस्तान लफ्ज तेरे को इस्तेमाल नहीं करना है, तू पकड़ी कैसे गई, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा कि इतना रायता फैलाने का। अच्छा एक चीज़ सर कहने की, सचिन मीना उसको कम में कोट करता हूँ, क्यों भाई, उसने देश के साथ, देश के मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी फौजदारी नहीं करी उसने, उसने एक विदेशी नागरिक, ऐसी नागरिक जो इस देश के लिए खतरनाक है, तो कोई रशियन भगा के लेके नहीं आया, अबे उसके लिए भी 6,000 रुपये लगते हैं, पाकिस्तानी को भगा के लाया, जितने तूने खर्च करे ना रशियन आती 6,000 में, तो समझ गया छू दिया कहीं का, सिंपल सी बात है, सचिन मीना के उसकी फैमिली को दबा के मोटा पैसा मिला हुआ है, या इसलिए उसके नाच रहे हैं उसके नाक उस पे, या फिर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, दो ही चीज हो सकती है कि जो नाचता है बंदा, और एपी सिंह बंदे जैसे ये हायर किया हुआ है, क्या चीज है मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, लेकिन ये साला इसमें क्यों कूदा, इसको TRP चाहिए, नाम चाहिए, जैसे वो
मर्डरर्स के पीछे ना रेपिस्ट के पीछे कूदा था उनकी फांसी रुकवाने के लिए, रात को 3 बजे कोर्ट खुलवा दिया था हमजादे ने, तो ऐसे बंदों को मैं तो बोलूंगा ऐसे बंदों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। अब एक कानून वानून की बातें यहाँ मत पेलेगा, ये सोच लो। मुझे समझ में नहीं आता यार क्या सीन है, ये साला हर गुनहगार के पीछे खड़ा हो जाता है जाके। मतलब वो 5 रेपिस्ट वो साले भूले भाले, उनको जीने का हक, जिन्होंने इतनी बुरी मौत मारी उस बच्ची को। अब ये एक आगे मासूम 4 बच्चे वाली, ये सिंपति इसीलिए चाहिए थी इसको, इसीलिए बच्चे ये लेके आई साथ में। अमेजा सर जो बात आप कह रहे हो डीएनए टेस्ट के बच्चों का, वो मैं पहले बोल चुका हूँ, तो सच्चाई तो कुछ ना कुछ को लेगी। तो भाई बाकी आगे देखते हैं। अब मीडिया वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है, ये भी पाकिस्तान बात नहीं कर पा रही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 24/7 इसके आसपास कोई रहता है, 24/7 इसके आसपास कोई रहता है, या तो व्हाट्सएप कॉल मिला के बात कर रही होगी पाकिस्तान, इट इज पॉसिबल कि रात को कभी अपने हैंडलर से इसने बात करी। मैं ये नहीं कह रहा कि कर रही होगी, मैं कह रहा हूं ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये क्या काम कर रही है, हेडलाइन बन जाती है साहब। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, सीमा गुलाम हैदर ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, ब्रेकिंग न्यूज। तो 15 मिनट तक ये हर रोज चल रही, हर रोज इसके ऊपर डिबेट चल रही है। सीमा गुलाम हैदर ने योगी जी से मांगा कि प्लीज योगी जी मुझे मत निकालिए, सीमा गुलाम हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाई कि मोदी जी प्लीज मुझे मार डालेंगे अगर आप मुझे भेजेंगे बाहर, तो दे विल किल मी इन पाकिस्तान, ये जान से मार देंगे मुझे मोदी जी, कुछ तो करिए। इसने सुर्खियों में बने रहने के लिए, न्यूज हेडलाइन में बने रहने के लिए दोस्तों, इसने पूरी सीमा गुलाम हैदर ने अपनी जान लगा दी है, ठीक है, और ये करती रहेगी जब तक। तो दोस्तों ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का फायदा उठाती रहेगी जब तक इसका मकसद हासिल। सर माफ कीजिए लेकिन इंडिया में इतने सारे इवेंट होने वाले हैं, आपको भी पता है, क्या आपको नहीं लगता कि किसी ना किसी इवेंट को डिस्टर्ब करने के लिए आई हो, या फिर जो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कहा था कि मैच नहीं खेलेंगे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके भी चलेंगे, नहीं लगता आपको? G20 याद है आपको, पुंछ वाला अटैक, कश्मीर, दिल्ली मुंबई टारगेट है इसके निशाने पे, और टारगेट क्या है? वर्ल्ड कप, क्योंकि इंडिया ने इसको धोखे मारा है, ऊपर से FATF में अलग डालने का पंगा चल रहा है इसका, IMF से लोन इसको ऐसे मिला है, अभी एक और किश इनको चाहिए, वहाँ पे कौन बैठा है, अजय बंगा, टी राजा, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसीज है सर। दूसरी बात, ज़्यादा इसके पिछवाड़ों में आग इनके किसलिए लग रही है, खालिस्तानियों को धो डाला, बुरी तरह इनकी लंका लगा दी है, दिन ब दिन पाकिस्तान ऐसे दबता जा रहा है, ऊपर से राजनाथ सिंह सर 2024 में पाकिस्तान POK ले लेंगे, तो इनके पिछवाड़ों में आग लग रही है, तो वैसे नहीं तो ऐसे तो करेंगे, ये अब अपनी लड़कियाँ भेज रहे हैं, और ये मेरी गारंटी है ऐसी सीमा हैदर और भी होंगी, और ऐसे कुत्ते उनके पीछे खड़े होंगे। आपको क्या लग रहा है इनका हैंडलर क्या, इसका हैंडलर आसपास नहीं होगा, क्या पता कोई दुकान वाला हो, कोई कुछ हो, कोई भी हो सकता है, हमें क्या पता लगता है कौन हैंडलर है इसका। मान लो उसका TV देख रहा हो, ये इसलिए इंटरव्यू दे रही है, कुछ ना कुछ ऐसा इशारा करेगी इसका हैंडलर समझ जाए, ये फैक्ट है, और टारगेट मुझे वर्ल्ड कप ही दिख रहा है। तो चलो भाई आगे देखते हैं मेजर सर क्या कह रहे हैं। ऐसा कर क्यों रही है, आपने सोचा है कभी? ठीक है, उसका जो भी मकसद है, जो भी भेजा है, जिसने भी उसको भेजा है सब काम करने के लिए, वो कर क्यों रही है? वो कर इसलिए रही है क्योंकि अब वो पकड़ी गई, राइट? और भारत में कुछ मामला भी ऐसा है कि हर एक को बोलने का अधिकार है, चाहे वो भारत का सिटीजन हो चाहे बाहर का, बकवास करने का मूल अधिकार सबको है, बकवास तो पूरी करिए आप, ये फ्री है मामला, ठीक है, दिस इज लाइक ट्विटर, जिसको बकवास करनी करो, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। अभी देखिए, 5 नॉर्मल पासपोर्ट और 6ठा पासपोर्ट, ठीक है, टोटल 6 पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर से निकले, यस, क्राइम यहीं पे इसका पकड़ा जाता है, क्योंकि 2nd पासपोर्ट मतलब आप क्रिमिनल हो, साफ सीधी बात है, आपने अलग अलग नाम से टोटल 6 पासपोर्ट लिए, 5 नाम वाले और 1 जिसमें नाम और एड्रेस खाली था, कि अपने सुविधानुसार भर लेना बेटा, जब तुम इंडिया जाओगे भर लेना, जो भी आपका मिशन होगा भरवा लेना, कंप्यूटर में डाल के फिट करवा लेना, नंबर 1। नंबर टू मैं आपको बता रहा हूं, इसके पास जो मोबाइल फोन निकले, 4 मोबाइल फोन, डिफरेंट सिम कार्ड, किस आइडेंटिफिकेशन से, किस आइडेंटिटी कार्ड से वो अलग अलग मोबाइल फोन निकले, पाकिस्तानी सिम कार्ड इसके पास है, राइट? अब इंडियन सिम कार्ड, ये इंडिया में, आप ये सोचिए कि इसको इंडिया का सिम कार्ड किसने दिया, या तो इसको सचिन मीना ने दिया इंडिया का सिम कार्ड, या तो सचिन मीना ने दिया, क्योंकि इसके पास तो आधार कार्ड है नहीं, बिना आधार कार्ड के इसके पास सिम कार्ड कैसे आया, राइट? या तो उसने दिया, या फिर इसके पास भारत का भी झूठा आधार कार्ड बना हुआ है। आप कभी सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, धीरे, हर एक चीज का ना बिना मतलब के तो होती नहीं है। अब अगर इंडिया में मैं जाऊंगा और मैं कहीं भी जाऊंगा बोलूंगा मुझे पासपोर्ट बनाना, तो आधार कार्ड तो मांगेंगे यार, साफ सीधी बात है, आप बिना आधार कार्ड के सिम कार्ड ले लो। एक छोटी सी चीज शायद आपके नजर में ना आई हो, अब आधार कार्ड ऐसे अपडेट हो चुके हैं, नंबर भी ऐसे अपडेट हुए हैं कि बिना थंब इंप्रेशन के वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसे कोई आपका कोई फॉर्जर मतलब
आधार कार्ड ले आके नंबर नहीं ले सकता, जब तक आपके थंब इम्प्रेशन नहीं लगते, जब तक आप वेरीफाई नहीं होता कि आप इंडियन सिटीजन हो, तब तक आपको नंबर इशू नहीं किया जाएगा। और अब बैंक में भी यही हो चुका है, मे बी शायद पासपोर्ट ऑफिस में भी यही चीज़ हो। तो विदाउट थंब इम्प्रेशन आपको नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी रिटेल दुकान पर चले हो। हाँ, किसी और के नाम पर होगा तो वो दे देगा जो इशू ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इट मीन्स इसको सचिन ने दिया है या उसकी फैमिली में से किसी का होगा, तो गुनहगार सीमा ही नहीं, ये सचिन भी है, इसकी पूरी फैमिली को डालो अंदर। मतलब सारे साले हमने अपने देश को काटने के लिए सारे हमने ही रखे हैं, खाते इस देश का हैं, फटेंगे ये साले इस देश के चक्कर में, इसी देश को लेके। मैं तो कहता हूँ सिंपल सी बात है, और मेरे को इसका बैकग्राउंड भी, सचिन मीना का बैकग्राउंड भी थोड़ा छानबीन करना चाहिए, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से लग रहा है ये साला, ये तो उसके पास इंडियन सिम कहाँ से आया? पाकिस्तानी सिम तो चलो पाकिस्तानी है, अपने साथ लेकर आ गए, इंडियन सिम कहाँ से आया, किसने उसको इंडियन सिम दिया? तीसरी चीज, मैं जो बार बार कह रहा हूं, ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बच्चे का और उसका डीएनए टेस्ट आप कराओ। मुझे नहीं लगता कि चारों बच्चे उसके हैं, होंगे दो एक बच्चे उसके होंगे, मना नहीं कर रहा मैं ये नहीं कह रहा कि चारों उसके नहीं है, लेकिन दो ये लेकर आइए, बच्चों का भी डीएनए टेस्ट होने की आवश्यकता है, राइट? और बच्चों को हिंदी सिखा दी यार, बच्चे भी नॉर्मली बोल रहे हैं जैसे हिंदी बोलते हैं, एक्सेंट आता है ना आप जहां के हैं। छोटा बच्चा तो ठीक है, एक साल का तो क्या ही बोलेगा, उसको छोड़ो छोटे बच्चे को, लेकिन जो बड़े हैं वो इतने फर्राटे से बोल रहे हैं। तो यार ये सब जो चीज़ें हैं, अब सीमा गुलाम हैदर के पास ना ये सब मिल गया है, वीडियो कैसेट ये वो, दुनिया भर का प्रूफ पकड़ा गया। अब या तो वो चाहती थी कि पकड़ा जाए, उसका मंसूबा ही था, ये भी हो सकता है ना कि उसका मंसूबा था कि मैं पकड़े जाऊँ, कहानी खत्म हो जाए यार, क्योंकि मैं चाहती ये हूँ, मैं आई इसलिए हूँ कि पकड़ी जाऊँ, फिर मैं रायता फैलाऊँ, तो रायता फैला रही है। या उसको लगा कि मैं नहीं पकड़ी जाऊँगी, ये सब सेफ रहेगा, फिर वो पकड़ी गई क्योंकि सचिन ने मुंह खोल दिया। अब ये तो धीरे धीरे पता लगेगा कि गेम क्या है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सीमा गुलाम हैदर को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना जल्दी से दो मिनट पहले, इसको पाकिस्तान भेजना जरूरी है। पाकिस्तान मना थोड़ी ना कर रहा है, कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी नहीं है, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी है, यश शीज़ अ पाकिस्तानी, यश। और पाकिस्तान ने आज तक एडमिट नहीं करा, देखिए ये वो मुल्क है जिसने अपने मरे हुए फौजी एडमिट नहीं करेगी। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि बाकी सर इसके बाद खालिस्तान की बात करने वाले हैं। बाकी भाई जो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे को कॉन्स्पिरेसी लग रही है कि वीडियो कैसेट लेके आई, ये सब चीज़ें लेके आई, सब चीज़ मतलब इतनी आसानी से नहीं पकड़ा गया। अगर बंदे को छुपाना होता है तो बड़ी छुपा छुपू के रखता है, यहाँ रखेगा वहाँ रखेगा, पकड़ा ना जाए। ऐसा नहीं लग रहा कि इसके पीछे सारी इंडियन एजेंसियाँ लगी रहेंगी, हम पीठ पीछे कुछ और रंडी रोना मचा देंगे? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ध्यान रहेगा आपका इधर और यहाँ से, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि इंडियन एजेंसीज को सतर्क भी रहना चाहिए। इसको तो पहली बात बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, ये पूरी फैमिली को जेल में डालो, बच्चों को रिपोर्ट करो, सही कह रहा हूँ मैं, डीएनए टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट करो, उसको जेल में डालो। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं क्यों आ रहा कि क्या पता इसलिए कर रहे हूँ कि कोई संपर्क करें हैंडलर कोई, कुछ भी हो सकता है। बाकी भाई मैं तो यही कहूँगा कि शी इज़ नॉट अ सेफ, और ऐसे एपी सिंह जैसे लोग जब तक इस देश में रहेंगे तो इस देश में आतंकवादियों को भी अधिकार दिलाने में लगे रहेंगे। इसको मतलब एक, हाँ भाई उसको सजा होती तो उसके लिए लड़ता तू ना, समझ में आता कि हाँ भाई ये तो हमारे कानून में है कि उसको वकील दिया जाता है, वो सरकारी वकील जाता है, तू तो साले प्राइवेट है, तू तो प्राइवेट है, तूने फट पटिशन डाल दी है, वो भी एक पाकिस्तानी जो संदिग्ध है इतनी बड़ी। और ये हर उसी के पीछे क्यों खड़ा होता है कि जो गुनहगार हो, रेपिस्ट के पीछे, चोर चक्कों के पीछे, मर्डर्स के पीछे, अब इसको दिख रहा है इसमें हाइप है तो भाई मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। इस जैसे को तो नंगा करके पिछवाड़े पे मारना चाहिए, सच बताऊं मैं। बाकी भाई आप सबका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज़ मुझे बताएं, और जहां मैं सही हूं, जहां तक जो भी मेरे को लगता है मैंने आपके सामने रख दिया, कि अगर मैं गलत हूं तो वो भी प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी उन चीज़ों को सुधार सकूं। तो भाइयों चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।